हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 की, जो ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं, यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो 136 है जनवरी 2023 का, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो निकल चुके हैं। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करेंगे। तो इसका जो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है, जो 11/5/2022 से इसका जो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है, लास्ट डेट 9 जून इसकी जो लास्ट डेट है, जहाँ पे होने वाली है, आप इसको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, अगर आपकी जो 20 साल से लेकर 27 साल तक एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए, स्किप मत करिए इस वीडियो को। उसके बाद जहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपने जो डिग्री पास की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और जहाँ पे टोटल वैकेंसी की हम बात करें, तो 40 जहाँ पे टोटल वैकेंसी आई है, यानी कि जहाँ पे 40 टोटल वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये हर साल जो कोर्स निकलते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो होते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, आप इनको फिलअप करके सीधा SSB में जा सकते हैं और SSB क्लियर करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन का जो PDF है, अभी आपको डाउनलोड करके अभी आपको जहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो जहाँ पे PDF हमारा डाउनलोड हो चुका है, सबसे ऊपर जहाँ पे इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, 136 जो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है उसकी जहाँ पे वैकेंसी आई है, और अनमैरिड सिर्फ मेल के लिए जहाँ पे वैकेंसी है, इसको सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। और जहाँ पे जो वैकेंसी होती है इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी IMA देहरादून में परमानेंट कमीशन पर आपको जहाँ पे ज्वाइन जो करवाया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आप जहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, और एज लिमिट भी आपने जहाँ पे देख ली होगी, 20 से लेकर 27 साल तक जहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपका जो बर्थ है 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2003 तक हुआ है, तो आप इन जो डेट के बीच अगर आते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक कर ली होगी, उसके बाद जहाँ पे जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में अभी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट की डिग्री जहाँ पे कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग जो कोर्स होते हैं उनके लिए जहाँ पे एप्लीकेबल होगी, यानी कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले सिविल में आते हैं, जिन्होंने सिविल की जो डिग्री की होती है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो जहाँ पे आप नेम देख सकते हैं, जो डिफरेंट नेम है, ये सभी सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं, आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वैकेंसी की बात करें, सिविल में जो 9 जहाँ पे वैकेंसी आई है, उसके बाद नीचे आर्किटेक्चर में, मैकेनिकल में जहाँ पे देख सकते हैं 6 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, जिस भी जो ट्रेड से आपने डिग्री की है उस ट्रेड से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप अपनी डिग्री के ट्रेड के हिसाब से इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आप इसकी ट्रेनिंग देख सकते हैं, 49 वीक की जहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, आपको जहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान कितने जहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है, ये भी आप जहाँ पे देख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, आप इनको भी जहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और जो अदर अलाउंस आपको मिलने वाला है, ये सब आपको जहाँ पे जो एक टेबल में बताया गया है, आप देख सकते हैं कि कितना कितना आपको जहाँ पे अलाउंस मिलने वाला है। तो आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं? फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन मोड के द्वारा जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, आपको जहाँ पे मैं इसको भी बताऊँगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने जो सेल्फ अटेस्टेड किए होने चाहिए, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। शॉर्टलिस्टिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे जहाँ पे होगा, तो दोस्तों आपको जहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपकी कट ऑफ के आधार पे, यानी कि जो स्ट्रीम से आपने जो फॉर्म को फिलअप किया है उसी आधार पे आपकी कट ऑफ बनेगी, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल के द्वारा जो
बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं और फिर आपको जहाँ पे इंटरव्यू के लिए जहाँ पे बुलाया जाएगा। तो जो आपने ईमेल भरनी है तो कृपया वो ईमेल आप सही तरीके से भरिए, जो आपको कल को जो नोटिफिकेशन आए और आपको जहाँ पे पता चल जाए, और इनकी जो वेबसाइट है उसके भी ऊपर भी आपको जहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा जो एडमिट कार्ड आया है इंटरव्यू के लिए या नहीं, जो आप जहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट को जहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद जहाँ पे आप सेंटर चेक कर सकते हैं, इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला, कर्नाटका, जहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 3-4 सेंटर है जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना होगा, तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाएं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरिट लिस्ट भी आप इसको चेक कर सकते हैं, जब आपका इंटरव्यू और SSB पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके दौरान आपको जहाँ पे जो सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, उसके बाद तो आप इन PDF को पूरे अच्छे तरीके से चेकआउट करके फिर ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।